Hello student, this is the lecture number 3 of the wave. So today my topic is phase and phase difference. So you can see here, this is the wave like this, and this one y is the displacement and this one x is the distance. You know already about that, and you know wave equation y is equals to a sine omega t minus kx प्लस माइनस यहाँ पे फाई लेते थे हम लोग, यहाँ पे चाहें तो थीटा भी ले सकते हैं या तो कोई दूसरा एंगल अल्फा बीटा कुछ भी मान सकते हैं। तो दिस वन थीटा, ये मैं यहाँ पे इनिशियल फेज जो इसको तो इनिशियल फेज बोलते हैं, तो इनिशियल फेज को हम लोग जीरो ले लिए, तो इनिशियल फेज जीरो होगा मतलब यहाँ पे थीटा का कोई मतलब नहीं है। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ओनली, दिस वन यहाँ तक। और उसको हम यहाँ पे अब क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे, एक्चुअली हम लोग जानते हैं कि ये होता था इनिशियल फेज और इस पूरे को बोलते थे हम लोग फेज। तो उसको क्या कर रहे हैं यहाँ पे थीटा माने, मतलब इस पूरे फेज को हम लोग मान ले रहे हैं फाई, पूरा फेज को अब यहाँ पे हम फाई मान रहे हैं। तो दिस वन टोटल फेज इज द फाई। अब इस थीटा जीरो है तो हमारा फाई के इक्वल क्या हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स। और हम लोग जानते हैं कि वेव इक्वेशन जो है सो टू फैक्टर पे डिपेंड करता है, जैसे हम लोग लिखते थे वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। आप देख सकते हो इस इक्वेशन में दोनों चीज़ दिख रहा है तुमको, टी का फंक्शन भी दिख रहा है और एक्स का भी फंक्शन दिख रहा है। सो और इसी ओमेगा टी माइनस के एक्स जो है सो ये टी भी वेरिएबल है एक्स भी वेरिएबल है, इसका मतलब 100% है कि ये जो वाई है यदि मेरा एम्पलीट्यूड यहाँ पे फिक्स रहे तो ऐसे सिचुएशन में बोल सकते हैं कि दिस वन वाई मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स टी एंड एक्स, मतलब इस पूरे फेज पर डिपेंड करता है। फेज यदि चेंज हो तो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगा। तो हम यहाँ पर इसीलिए लिख सकते हैं इसको कि वाई डिपेंड्स ऑन फेज, y डिपेंड्स ऑन फेज, और फेज को क्या मान ली है फाई। अब कंडीशन ये है, इस डायग्राम को देखो, इस वेव को देखो, इस वेव में यदि मैं बोलूँ कुछ इस तरीके से कि इस जगह से स्टार्ट हो रहा है वेव, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को गया, फिर मीन पॉइंट पे आया, फिर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड नेगेटिव साइड में गया, फिर जाकर के मीन पोजिशन पर आ गया। इस तरीके से ऑसिलेशन में हमारा होता है, जिससे हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ते थे तो कुछ इस तरीके से होता था। तो यहाँ भी कुछ उसी तरीके से हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक फिक्स पार्टिकल को, एक पार्टिकल को देखते हैं। सिंगल पार्टिकल कब देख सकते, सिंगल पार्टिकल के लिए कब डिस्कस हम लोग कर पाएंगे, जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट को फिक्स कर दें। दिस साइड हम लोग जानते हैं कि इस साइड क्या होता है, दिस वन साइड इज द डिस्प्लेसमेंट सॉरी डिस्टेंस एंड दिस वन साइड इज द डिस्प्लेसमेंट। अब कंडीशन यहाँ पे क्या है कि हम यदि एक्स फिक्स कर दें, यहाँ पे एक्स फिक्स किसी एक पॉइंट पे फिक्स करते हैं, मान लो कि इसी जगह पे फिक्स कर देते हैं या तो यहाँ पे फिक्स करते हैं, कहीं पे जगह फिक्स कर देते हैं, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे ही फिक्स कर देता हूँ एक्स, मतलब इसका ऑसिलेशन सिर्फ अप और डाउन ऐसे होगा, अप डाउन ऐसे कुछ करके, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक जाएगा फिर नेगेटिव ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा, मतलब मीन पोजीशन एक्सट्रीम पॉइंट फिर मीन फिर एक्सट्रीम, कुछ इस तरीके से इसका क्या होगा ऑसिलेशन यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर दिए हैं, एक्स इज फिक्स व्हेन, यहाँ पे देखो कंडीशन डाल दिया हूँ व्हेन एक्स इज फिक्स, तो क्या हो जाएगा पार्टिकल फिक्स हो गया मेरा, एक्स फिक्स मतलब पार्टिकल फिक्स, मतलब इस जगह से उसका हम पोजीशन को नहीं हटा रहे हैं, एक्स फिक्स हो गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि पार्टिकल केवल अप और डाउन करेगा, मतलब पार्टिकल क्या करेगा यहाँ पे, पार्टिकल डूइंग SHM, पार्टिकल यहाँ पे SHM कर रहा है। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पे एक्स क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि देयर इज नो डिस्टेंस। तो इस जगह पे इसका, इस पार्टिकल का कोई मूवमेंट, मतलब मूवमेंट है अप डाउन सिर्फ मूवमेंट है, इधर राइट साइड नहीं जा रहा है, तो यहाँ एक्स क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। यदि एक्स जीरो होगा तो इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन में हमारा एक्स का फंक्शन क्या हो जाएगा जीरो। यहाँ पे देखो वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, एक्स मेरा जीरो हो जा रहा है, मतलब ए टर्म पूरा जीरो हो गया, ए टर्म जीरो हो गया तो मेरा इक्वेशन क्या बचा, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी वनली। तो ए साइन ओमेगा टी वनली हम लोग जानते हैं पहले से भी कि वाई इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, देखो यहाँ पे लिख दिया हूँ डायरेक्ट वाई इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, ये तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है हम लोग का, जो पहले भी हम लोग ऑलरेडी जान रहे हैं, पहले से ही जब हम लोग ऑसिलेशन चैप्टर पढ़ रहे थे उसी समय से जान रहे हैं कि दिस वन इक्वेशन इज द सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन। तो सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन है ये y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, ओमेगा का वैल्यू होता है 2π/t, तो यहाँ पुट कर दिया तो क्यों हो गया ए साइन 2π/t इंटू टी, ठीक है। अब मेरा x सेम है, x सेम है तो हम इसमें टाइम को थोड़ी वेरी कर, मतलब टाइम जो है तो वेरिएबल है, अब कितना बार वो SHM करेगा, कितना बार ऑसिलेट होगा, वो तो डिपेंड करता है टाइम पे ना। तो मेरा क्या है यहाँ पे देखो, x क्या लिख दिए, x सेम है बट टाइम इज वेरिएबल। टी वन टाइम पे सपोज करते हैं ये फेज है मेरा ओमेगा टी माइनस के एक्स, जो फेज है वो जो है सो सिर्फ और सिर्फ किस पे वेरी करेगा, टी पे, बिकॉज एक्स तो मेरा जीरो हो चुका है तो टी पे सिर्फ वेरी कर रहा है। तो
T1 टाइम में इसका फेज मान लेते हैं F51 है, और T2 टाइम में इसका फेज जो है सो Φ2 है। तो इसको हम लोग किस तरीके से इक्वेशन को लिख सकते हैं, जैसे हमारा फेज जो यहाँ पे फाई है, मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, फाई इज इक्वल्स टू वी हैव ओमेगा टी माइनस के एक्स, दिस वन इज द फेज, यू कैन सी हियर फाई इज इक्वल्स टू ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही फेज है हमारा। तो ये फेज में एक्स तो सेम है हमारा, एक्स सेम मतलब मान लेते हैं एक्स कुछ भी वैल्यू हो सेम है, वो फिक्स है, जीरो नहीं भी है तो भी मान लेते हैं, मान लो 1 है 2 है 3 कुछ भी है फिक्स है, लेकिन यदि x फिक्स है तो सिर्फ वेरी क्या कर रहा है, t वेरी कर रहा है। तो हम यहाँ पे t1 के लिए क्या माने, Φ1, t2 के लिए Φ2, मतलब हम यदि इसका वैल्यू रखें तो t1 के लिए हो जाएगा Φ1 और t2 के लिए क्या हो जाएगा Φ2। तो वही यहाँ पे लिख दें, देखो Φ1 इज इक्वल्स टू ओमेगा t1 माइनस के एक्स, एक्स वेरी नहीं कर रहा बिकॉज x सेम है। नेक्स्ट वन Φ2, इसके जगह केवल टाइम की जगह चेंज हो जाएगा, क्या चीज़, ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ओमेगा t2 माइनस के एक्स, मतलब दिस इज द फेज, जिस फेज इसमें सिर्फ मेरा टाइम वेरी कर रहा है। तो टाइम वेरी कर रहा है T1 के लिए, ये वाला इक्वेशन हो गया फेज के लिए, और T2 के लिए ये वाला हो गया, और हम लोग पढ़ भी रहे हैं फेज। अब ये फेज हमारा कैलकुलेट हो गया, अब देखते हैं फेज डिफरेंस कितना आएगा। तो फेज डिफरेंस Φ2 माइनस Φ1, तो देखो Φ2 माइनस Φ1 इज इक्वल्स टू, ये दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला कट जाएगा, माइनस होगा तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा मेरा ओमेगा T2 माइनस ओमेगा T1। देखो ओमेगा T2 माइनस ओमेगा T1, तो ओमेगा कॉमन आएगा तो हो जाएगा T2 माइनस T1। अब यहाँ पे देखो चेंज ऑफ फेज है, तो चेंज ऑफ फेज को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा फाई, और यहाँ पे ओमेगा है, और इसको लिख सकते हैं T2 माइनस T1 को लिख सकते हैं डेल्टा टी, लाइक दैट। ठीक है, इसको और आगे बढ़ाते हैं हम लोग, दिस वन डेल्टा फाई, ये क्या फेज डिफरेंस है हमारा, और ये ओमेगा का वैल्यू हम लोग जानते हैं 2π/T होता है, और साथ में क्या है डेल्टा टी, टाइम पीरियड मतलब चेंज इन टाइम। अब आगे बढ़ो, इसको हम लोग क्यों रीड किए इसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, अब कंडीशन है यहाँ पे कि यदि सेम फेज पे होगा, सेम फेज किसको बोलते हैं वो तो समझ लो, सेम फेज मैं सेम फेज इसको बोलूँगा जैसे यहाँ पे है, जो पार्टिकल यहाँ पे है, ये पार्टिकल ऑसिलेट किया ऐसे ऐसे, तो वेव तो इसी तरीके से बनता था, SHM में भी जो वेव बनता था हम लोग का कुछ इस टाइप से ही बनता था। तो एक पार्टिकल के लिए बात करें तब भी वहाँ पे वेव बनेगा, तो यदि मान लो एक साइड गया तो 90 डिग्री कवर किया, फिर वहाँ से वापस आया तो 180 डिग्री कवर कर लिया, फिर इस साइड आया 270, और फिर वापस अपनी जगह पे आ गया तो 360 डिग्री कंप्लीट करता है, मतलब टोटल टी टाइम के लिए। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ से एक साइड एक्सट्रीम पॉइंट तक गया तो T/4 टाइम लिया, फिर वो वापस मेन पोजीशन पे आया तो कितना लिया टाइम, T/2, फिर यहाँ से अपोजिट साइड में गया 3T/4 गया, फिर फाइनली मेन पोजीशन पे आ गया तो क्या होगा टी टाइम, मतलब ये पूरा वन ऑसिलेशन का है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो कर्व बना है, मतलब ग्राफ जो बना है वो पूरा वन ऑसिलेशन के लिए है। तो हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं कि दिस इज़ द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड फॉर पॉजिटिव साइड, दिस इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड फॉर नेगेटिव साइड, ऑसिलेशन हो रहा है यहाँ पे एक पार्टिकल का, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो T/4 में इतना दूर, T/2 टाइम में इतना, 3T/4 में इतना दूर गया मतलब यहाँ तक आया, फिर टी में फिर मेन पोजीशन पर वापस आ गया, मतलब ऐसे समझना है, अप गया T/4 में, फिर वापस आया मेन पोजीशन पे तो हो गया T/2, फिर इस साइड आया तो हो गया 3T/4, फिर वापस मेन पोजीशन पे आ गया तो कितना टाइम लिया, टी टाइम, मतलब टी टाइम में एक पूरे वेव को कंप्लीट करता है ये। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को देखना सेम फेज किसको बोलते हैं, सेम फेज बोलते हैं दिस वन पॉइंट एंड दिस वन पॉइंट इज द सेम फेज, जितना यहाँ पे फेज है उतना ही यहाँ पे फेज है, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट, क्योंकि ये मेन पोजीशन है, ये भी मेन पोजीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को एक्चुअल में देखना क्या है वो देखो, सेम फेज किसको बोलते हैं, सेम फेज पे क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता है, उस चीज़ को हम लोग को जानना है। तो देखो सेम फेज, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे सेम फेज, सेम फेज में हमारा डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, सेम फेज पे डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, कैसे उसको भी समझ लो इसी डायग्राम से, सेम फेज पे सेम डिस्प्लेसमेंट हम कैसे बोल सकते हैं उस चीज़ को समझो। ये रहा डायग्राम, इस जगह पे है तो जितना एम्पलीट्यूड इस जगह पे है उतना ही एम्पलीट्यूड यहाँ पे है। यदि मैं बोलता कि आगे मान लो ये बी पॉइंट है, देख लो बी पॉइंट, तो बी पॉइंट पे ए पॉइंट पे और ई पॉइंट, यहाँ देखो लिखे हैं ABCDE, तो ए पे जितना एम्पलीट्यूड है उतना ही ई पे है, इसलिए इसको सेम फेज बोल दिए। अगला बी पॉइंट पे जितना होगा उतना यहाँ पे होना चाहिए, जितना इधर आगे बढ़ेंगे उतना इधर बढ़ना पड़ेगा, तो ई के बाद यहाँ एफ लगा देना पड़ेगा, मतलब जितना बी पे है उतना एफ पे है,
जितना सी पे है उतना जी पे होगा, इस टाइप से। तो देखना पड़ता है, जितना इधर तुम आगे बढ़ोगे उतना इधर आगे बढ़ना पड़ेगा, मतलब पॉजिटिव साइड, ये भी पॉजिटिव साइड। तो फेज हमारा सेम साइड में देखना पड़ता है, सेम साइड में, सेम एम्पलीट्यूड है, सेम डिस्प्लेसमेंट है, सेम स्पीड है, सेम एक्सेलरेशन है, तब हम कह सकते हैं सेम फेज। वही चीज़ अपोजिट वाला देखना चाहते हो तो अपोजिट में क्या बोलना पड़ेगा, अपोजिट में तुम्हारा हो जाएगा दिस वन डी और यहाँ पे जी, यहाँ पे एच मान लो, तो डी और एच सेम फेज में है, बट अपोजिट फेज, इसको अपोजिट फेज बोलेंगे, सेम फेज नहीं, सॉरी, ये सेम फेज हो जाएगा। अपोजिट फेज किसको बोलेंगे, बी और डी को अपोजिट फेज बोलेंगे। बी देखो पॉजिटिव साइड में है, डी किधर है, नेगेटिव साइड में, तो बोथ आर अपोजिट फेज। तो इस तरीके से देखा जाता है अपोजिट फेज और सेम फेज। तो यहाँ पर हम लोग सेम फेज पहले समझते हैं, सेम फेज में क्या क्या हो सकता है। सेम फेज में हम लोग का होगा डिस्प्लेसमेंट सेम, वेलोसिटी सेम, एक्सेलरेशन सेम। सेम फेज देयर विल बी सेम डिस्प्लेसमेंट, सेम वेलोसिटी, सेम एक्सेलरेशन। तो कितना कितना एंगल होगा वहाँ पे सेम फेज में, जैसे स्टार्टिंग में मैं बात करूँ कि सेम फेज में, तो सेम फेज हमारा हो सकता है एक वेव कंप्लीट करता है, देखो यहाँ पे मैं वेव कंप्लीट करूँ, वेव बना रहा हूँ एक, तो ठीक है समझने के लिए, लाइक दिस, ये वेव कुछ इस तरीके से बनता है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि ये कंप्लीट वेव यहाँ पे कर रहा है, तो यहाँ पे कितना एंगल कंप्लीट करेगा, टू पाई एंगल यदि कंप्लीट करेगा तो टू पाई होगा वहाँ पे। कैसे होगा इसको भी हम लोग समझते हैं, देखो एक कंप्लीट वेव हो रहा है टी टाइम में, टी टाइम में यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, फिर सेकेंड वेव कंप्लीट करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा टू टी, टू टी, फिर आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा थ्री टी, इस तरीके से। और हम लोग जानते हैं यहाँ पे इस जगह पे कितना होता है टी बाई फोर, बाकी टाइम तो सब पता है कि यहाँ पे टी बाई फोर, यहाँ पे टी बाई टू, यहाँ पे थ्री टी बाई फोर, कुछ किस तरीके से होता है। तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि टी टाइम में एक पूरा वेव मतलब मीन पोजिशन पर फिर वापस आ जाता है, टी टाइम पे मतलब यहाँ पे स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट हुआ तो फिर उसी पॉइंट पे आने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा, टी टाइम लगेगा, और कितना एंगल कंप्लीट करेगा वो 360 डिग्री कंप्लीट करेगा उतना दूर में। ये एंगल 360 डिग्री किस तरीके से कंप्लीट करता है, तो उसके लिए एक फार्मूला हमारे पास है, उसी फार्मूला से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि टू पाई यहाँ पे आता है कि नहीं आता, उसको कैलकुलेट करने का तरीका है अपने पास, वो फार्मूला यहाँ पे हम लोग जो कैलकुलेट किए थे फेज डिफरेंस उससे होगा। डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2π/T डेल्टा टी है ये वाला फार्मूला, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2π/T डेल्टा टी। इसी में कुछ नहीं करना है, टाइम के पास हमको वैल्यू रख देना है, टाइम के पास वैल्यू रखेंगे कितना, पहले रखेंगे टी, फिर रखेंगे टू टी, फिर रखेंगे थ्री टी, इस तरीके से। मतलब ये वेव तुमको क्या बता रहा है कि जो मीन पोजीशन पे वापस आ रहा है बार बार, रिटर्न जो हो रहा है मतलब सेम फेज पे वापस आ रहा है, सेम फेज पे कब आएगा, टी टाइम में आएगा, फिर टू टी टाइम में आएगा, फिर थ्री टी टाइम में आएगा, इस तरीके से टाइम इंटरवल, एक एक टाइम इंटरवल के बाद सेम फेज में वापस आ जाता है, टी टाइम, फिर टू टी टाइम, फिर थ्री टी टाइम, फिर फोर टी टाइम, इस तरीके से तुम्हारा आगे बढ़ते चला जाएगा और सेम फेज पे वापस आता चला जाएगा। तो टी टाइम में देखो यहाँ पे इसलिए लिख दिया हूँ, आफ्टर टी टाइम, टू टी टाइम, थ्री टी टाइम, टाइम पीरियड पार्टिकल विल बी इन सेम फेज, पार्टिकल विल बी इन सेम फेज, ठीक है। अब देखो इसको मैथमेटिकली यदि तुम चेक करना चाहते हो तो देखो इसका फार्मूला क्या होता है, डेल्टा फाई, डेल्टा फाई का फार्मूला होता है 2π/T डेल्टा टी, डेल्टा टी की जगह तुमको क्या रखना है टी टाइम, पहला यही चेक करना है, टी टाइम, तो टी टाइम देखो यहाँ टी रख दिए डेल्टा टी के जगह पे, तो टी टी कैंसिल, तो क्या रिजल्ट आ गया पाई, टू पाई, मतलब फर्स्ट मेन पोजीशन जो तुमको फिर रिटर्न बैक मतलब फिर से सेम फेज में वापस आता है तो कितना एंगल को कंप्लीट करता है वो, तो टू पाई डिग्री को कंप्लीट करता है, मतलब टोटल एंगल 360 डिग्री को वो कंप्लीट करता है तो फिर सेम फेज में वापस आ पाता है। नेक्स्ट टू टी ना, टी के बाद कितना आया टू टी इंटरवल, टू टी इंटरवल में देखो कितना एंगल आएगा, टू टी यहाँ पुट करेंगे तो टू टी, टी टी कैंसिल, टू टू जब फोर पाई, मतलब फोर पाई आ रहा है, फिर उसके बाद सिक्स पाई आएगा, फिर एट पाई आएगा, इस तरीके से। इसलिए यहाँ पे लिख दिया कि टी के जगह पे टी टाइम में इतना एंगल कंप्लीट करेगा तब सेम फेज में आएगा टू पाई, टू टी पे फोर पाई एंगल कंप्लीट करेगा तो फिर सेम फेज पे आएगा, थ्री टी में सिक्स पाई एंगल कंप्लीट करेगा तब फिर सेम फेज में आएगा। ये चेक करने का तरीका हो गया, सेम फेज में कुछ इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं टाइम पीरियड्स को। अब आता है अपोजिट फेज, अपोजिट फेज को समझते हैं, अपोजिट फेज किसको बोलेंगे, देखो अपोजिट फेज बोलते हैं, ये टी बाई फोर है, यहाँ पे क्या होगा टी बाई टू, और ये टी बाई टू हो गया और ये हो गया टी, फिर यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा थ्री टी बाई आगे वहाँ पे ना, तो ये हो जाएगा थ्री टी बाई टू, ये हो जाएगा थ्री टी बाई टू,
फिर अगला जो है सो उसका 5T/2 आएगा। इस तरीके से तुम्हारा आगे चलता जाएगा, मतलब T/2, 3T/2, और फिर इसके बाद कौन सा फेज हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 5T/2। उसी तरह 7T/2 इस तरह से बढ़ते चला जाएगा। अपोजिट फेज, इसको बोलते हैं अपोजिट फेज। ऐसा अपोजिट फेज क्यों बोल रहे हैं इसको अपोजिट फेज, बिकॉज हम जानते हैं कि पहले मैक्सिमम पर जाता है फिर वापस आता है इससे। तो कितना डिग्री कंप्लीट किया, आधा टाइम कंप्लीट किया, और आधा टाइम कंप्लीट किया मतलब एक साइड का कंप्लीट किया है, और अब एक साइड पूरा कंप्लीट कर लिया, फिर इधर आएगा फिर वापस आएगा इस तरीके से मेन पोजीशन पे ना। तो अपोजिट फेज हम लोग किसको बोल सकते हैं, अपोजिट फेज मतलब दिस वन, इस बीच वाला पॉइंट और अगला का वेव का फिर बीच पॉइंट, फिर अगला वेव का बीच वाला पॉइंट, फिर अगला वेव का बीच वाला पॉइंट, इसको अपोजिट फेज बोलते हैं। इसको यदि प्रूव करना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से कर सकते हो। देखो अपोजिट फेज को, अपोजिट फेज में क्या क्या सेम होता है सो देख लो। अपोजिट फेज में सेम डिस्टेंस होगा बट अपोजिट डायरेक्शन होगा। अपोजिट फेज तब बोलेंगे जब सेम डिस्टेंस कवर करे बट अपोजिट डायरेक्शन होगा। स्पीड भी सेम होगा बट अपोजिट डायरेक्शन होगा। एक्सेलरेशन भी सेम होगा बट अपोजिट डायरेक्शन होगा। कैसे, क्या अभी हम जो बताए कि मैंने पहले किधर गया, ऊपर गया, ऐसे ऊपर गया, फिर वहाँ से किधर आ रहा है, नीचे की तरफ इधर, तो डायरेक्शन चेंज हो गया ना, पहले उधर था अब अप की तरफ, अब डायरेक्शन किधर हो गया, डाउन की तरफ। तो डाउन तक यहाँ तक आने में इसको टाइम कितना लगा, T/2, फिर जाएगा ऊपर इधर इस साइड जाएगा और फिर वापस जाएगा वहाँ पे, तो वापस जाएगा और फिर अप जाएगा, तो कितना टाइम ले लेगा ये, 3T/2 इतना। तो इस तरीके से टाइम इंटरवल तुम्हारा चेंज होता चला जाता है, T/2, 3T/2, यहाँ से मतलब एक बार अप गया फिर आया इतना में T/2 में, फिर इधर आएगा फिर यहाँ जाएगा फिर ऊपर जाएगा फिर यहाँ आएगा तब आएगा 3T/2। इस तरीके से एक पूरा वेव को कंप्लीट करना होता है, तो 3T/2 फिर 5T/2 कुछ इस तरीके से तुम्हारा आएगा। इसको बोलते हैं अपोजिट फेज, मतलब सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है बट अपोजिट डायरेक्शन हो जा रहा है, जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि ये अपोजिट फेज में है। तो इसलिए यहाँ पॉइंट लिख दिया हूँ, सेम डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन, सेम स्पीड अपोजिट डायरेक्शन, सेम एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन। तो कितना टाइम इंटरवल में सब हो रहा है, ये हो रहा है T/2 इंटरवल, 3T/2 इंटरवल, 5T/2 इंटरवल में इतना में हो रहा है। तो एंगल यहाँ पे हम लिख दिए डायरेक्ट पाई, 3π, 5π, कैसे आ रहा है फार्मूला हम लोग जान रहे हैं, उसमें पुट करना होता है, डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू 2π/T इंटू, यहाँ पे पहला टाइम वाला पुट कर दो T/2, यहाँ पुट करेंगे तो रिजल्ट कितना पाई आया। फिर सेकेंड है 3T/2 यहाँ पुट करो तो तुमको आता है 3π, तो 5, 3π, 5π .. कुछ इस तरीके से तुम्हारा आता चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का जब हम लोग डिस्टेंस को फिक्स कर देते हैं, जब डिस्टेंस को फिक्स करते हैं तो फेज डिफरेंस हमारा कुछ इस तरीके से मिलता है। ठीक है, अब हम लोग टाइम को फिक्स करके देखते हैं। एक बार तो डिस्टेंस फिक्स किए, अब हम लोग टाइम फिक्स करते हैं, टाइम फिक्स करने पे जो फेज डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा उसको हम लोग देखते हैं। तो देखो नाउ व्हेन टाइम फिक्स कर दिए, और टाइम कहाँ पे रखे हैं फिक्स, T/2 पे, जैसे वेव है ये, तो ये वेव कुछ इस तरीके से बन रहा है इस तरीके से, तो हमारा हम जानते हैं कि यहाँ पे T/4 होता है और यहाँ पे क्या होता है T/2। मैं यहाँ पे फिक्स किया हूँ इस जगह पे T/2, यहाँ पे फिक्स कर दिया हूँ टाइम को। उस समय जो फेज़ है Φ1 जो है वो कितना डिस्टेंस पे है, X1 पे है, और Φ2 जो होगा उस समय कहाँ पे होगा, X2 पे होगा। बिकॉज देखो वी नो Y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ X एंड T। अब T को फिक्स कर दें, X को वेरी करा रहे हैं, तो X को वेरी करा रहे हैं तो X1 X2 मिलेगा ही, और टाइम जो है सो टी ही मिलेगा हर जगह पे। तो यहाँ पे देख सकते हो वेव इक्वेशन हमारा क्या होता है, वेव इक्वेशन इज इक्वल्स टू, वेव इक्वेशन जो है उसका फेज जो होगा, फेज जो होता है, फेव का फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़े थे इसके पहले, ωt − kx, यही ना, इसी को फेज माने फाई, ωt − kx। अब क्या है इसमें, टी फिक्स है, एक्स वेरी करेगा, तो यहाँ पे X1 के लिए जो Φ1 मिलेगा वो कितना मिलेगा, ωt फिक्स है इसलिए इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, −kx1 मिला। नेक्स्ट वन Φ2 के जगह पे ωt फिक्स रहेगा, X की जगह 2 हो गया, मतलब Φ2 के लिए X2 मिला, Φ1 के लिए X1 मिला। तो Φ1 इज इक्वल टू ωt − kx1, Φ2 इज इक्वल टू ωt − kx2। सो Φ2 क्या मिल जाएगा हमको, Φ2 − Φ1, मतलब फेज डिफरेंस क्या मिल जाएगा, के दोनों देखो ये कट जाएगा, ये दोनों माइनस है तो माइनस होगा, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, यहाँ मिलेगा −kx2 − x1, ऐसा कुछ रिजल्ट मिलेगा, −kx2 − x1। इस माइनस को हटाना है तो इसको क्या कर दो, चेंज कर दो, इंटरचेंज कर दो, तो प्लस में आ जाएगा। तो देखो इंटरचेंज किए तो क्या मिल गया, X1 − X2,
पॉजिटिव में आ गया, तो फाइव टू माइनस फाइव वन इज इक्व टू के एक्स वन माइनस एक्स टू, ठीक है। तो ये मिल गया यहाँ पे, अब हमको ये फेज डिफरेंस मिल गया। इसको आगे बढ़ाते हैं और देखो, इसको और आगे देखेंगे हम लोग तो क्या रिजल्ट मिलता है, उस चीज़ को देखना है। ये देखो डेल्टा फाई यहाँ तक आ चुका है, डेल्टा फाई इज इक्व टू के एक्स वन माइनस एक्स टू। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेल्टा फाई इज इक्व टू के का वैल्यू होता है टू पाई बाई लेमड़ा, टू पाई बाई लेमड़ा इसका वैल्यू होता है के, के क्या है वेव नंबर, और ये तुम्हारा एक्स वन माइनस एक्स टू। एक्स वन माइनस एक्स टू भी क्या है, डिफरेंस है ये, किसका डिफरेंस, डिस्टेंस में डिफरेंस जो दिख रहा है यहाँ पे, तो चेंज इन डिस्टेंस, तो चेंज इन डिस्टेंस को किस तरीके से दिखाते हैं, डेल्टा से, तो डेल्टा एक्स के फॉर्म में इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, अब वेव के फॉर्म में मतलब वेवलेंथ के फॉर्म में इसको देखना है। जैसे अब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है, इस साइड डिस्प्लेसमेंट है हमारा दिस वन एक्स, इस साइड राइट साइड एक वेव यहाँ पे देखो बना के रखे हैं, इस जगह पे जो मेरा टाइम होगा उसको हम लोग देखेंगे, और साथ ही साथ हम लोग को देखना है कि टाइम तो जानते हैं हम लोग कि यहाँ पे टी बाई फोर होता है, फिर यहाँ पे टी बाई टू होता है, यहाँ पे थ्री टी बाई फोर होता है, फिर यहाँ पे टी टोटल टाइम हो जाता है, बट वेवलेंथ के बारे में देखना है। जैसे एक वेव ये यहाँ से पूरा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक वेव कंप्लीट करेगा, तो एक वेव कंप्लीट करेगा उसका वेवलेंथ कितना मानेंगे, लैम्ब्डा, लैम्ब्डा इज द फुल वेवलेंथ। तो ये पूरा एक ऑसिलेशन एक वेव के बराबर हुआ। तो हर एक जगह पे हम यदि इस तरीके से चार पार्ट में इसको बांट दें, यहाँ पे मिलेगा लैम्ब्डा बाई फोर, यहाँ पे मिलेगा लैम्ब्डा बाई टू, यहाँ मिलेगा थ्री लैम्ब्डा बाई टू, और यहाँ पे मिल जाएगा लैम्ब्डा, ठीक है। तो कंप्लीट इतना हुआ। तो अब यहाँ पे हम लोगों को करना है कि सेम फेज के लिए देखना है, तो सेम फेज के लिए जो वेवलेंथ होगा वो वेवलेंथ किस तरीके से इंक्रीज होगा। सेम फेज मतलब फर्स्ट वेव कंप्लीट किया तो लैम्ब्डा होगा, फिर नेक्स्ट दूसरा वेव कंप्लीट करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू लैम्ब्डा, यहाँ पे टू लैम्ब्डा, फिर आगे फिर एक और वेव कंप्लीट करेगा तो थ्री लैम्ब्डा। तो इस तरीके से सेम फेज में तुमको देखेगा, सेम फेज कहाँ कहाँ पे है, देखो ए पॉइंट, फिर ए पॉइंट, फिर अगला ए पॉइंट, इस तरीके से सेम फेज हमको मिलता चला जाता है, ठीक है। तो सेम फेज यहाँ 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 मतलब लैम्ब्डा, सॉरी लैम्ब्डा, टू लैम्ब्डा, फिर आगे बढ़ेगा थ्री लैम्ब्डा, फोर लैम्ब्डा, डॉट 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 जाएगा। तो ये जो हमको दिख रहा है ये क्या है, ये हमारा है फेज जो इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ है। तो चेंज इन डिस्टेंस मतलब चेंज इन वेवलेंथ जो तुमको मिलेगा, मतलब जीरो यहाँ पे स्टार्टिंग में जीरो है तो लैम्ब्डा माइनस जीरो लैम्ब्डा ही तो मिलेगा, फिर यहाँ पे है कितना, इधर जाओगे आगे आगे जाओगे तो मिलेगा तुमको यहाँ से यदि हम देखें उसको कैलकुलेट करके तो क्या है, टू लैम्ब्डा माइनस जीरो टू लैम्ब्डा, इस तरीके से फिर थ्री लैम्ब्डा माइनस जीरो थ्री लैम्ब्डा। तो तुमको इनिशियल पॉइंट से कुछ इस तरीके से देखोगे तो तुमको वही रिजल्ट मिलेगा, या फिर तुम इस तरीके से कैलकुलेट करो तो देखो टू लैम्ब्डा माइनस लैम्ब्डा लैम्ब्डा ही मिलेगा, थ्री लैम्ब्डा माइनस टू लैम्ब्डा लैम्ब्डा ही मिलेगा, मतलब हर जगह तुमको जो डिफरेंस मिलेगा वो सेम मिलेगा, बट सिर्फ यहाँ पे हम लोग पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए कुछ इस तरीके से दिखाएं कि फर्स्ट वन पॉइंट इज द लैम्ब्डा, सेकंड वन पॉइंट इज द टू लैम्ब्डा, थर्ड वन पॉइंट इज द थ्री लैम्ब्डा डॉट डॉट डॉट। तो जहाँ जहाँ पे ये पॉइंट होगा उस जगह पे एंगल कितना होना चाहिए, तो हम लोग रफली यदि देखें तो यहाँ पे टू पाई कंप्लीट करता है, यहाँ पे फोर पाई कंप्लीट करता है डॉट डॉट डॉट। यदि तुम इसको चेक करना चाहते हो तो चेक करने के लिए फॉर्मूला अपने पास है, डेल्टा फाई इज इक्व टू टू पाई बाई लैम्ब्डा इंटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स का वैल्यू लैम्ब्डा, पहले लैम्ब्डा पुट कर लो, यहाँ डेल्टा एक्स की जगह लैम्ब्डा पुट करेंगे, लैम्ब्डा लैम्ब्डा कट तो कितना मिला टू पाई। नेक्स्ट वन फिर से तुम टू लैम्ब्डा पुट करो यहाँ पे, तो लैम्ब्डा लैम्ब्डा कट, टू टू जा फोर, फोर पाई मिला। तो इस तरीके से टू पाई फोर पाई सिक्स पाई तुमको क्या मिलेगा, फेज डिफरेंस। तो दिस इज द फेज डिफरेंस। तो ये हो गया सेम फेज के लिए। उसी तरीके से अपोजिट फेज के लिए देखते हैं, अपोजिट फेज के लिए क्या होगा, अपोजिट फेज हमारा कहाँ कहाँ पे होगा, यहीं पे देख लो इसी डायग्राम में। अपोजिट फेज, अपोजिट फेज हमको मिलेगा, जस्ट एक स्टेप आगे बढ़ जाओ, यहाँ वाला दिस वन पॉइंट, फिर यहाँ वाला, फिर आगे बढ़ते चला जाएगा, मतलब यहाँ पे लैम्ब्डा बाई टू है तो यहाँ पे मिलेगा थ्री लैम्ब्डा बाई टू, लैम्ब्डा बाई टू, थ्री लैम्ब्डा बाई टू, फिर नेक्स्ट जो आएगा वो मिलेगा फाइव लैम्ब्डा बाई टू। मतलब क्या है यहाँ पे कि एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सब सेम डायरेक्शन में, मतलब स्पीड एक्सेलरेशन जो है सो सेम डायरेक्शन में है, बट कंडीशन यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट स्पीड एक्सेलरेशन सब सेम डायरेक्शन में है, मतलब डायरेक्शन नहीं सब सेम है, सेम इन मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट हो जाने के कारण इसको बोलते हैं अपोजिट फेज। तो इसके पहले हम बता चुके हैं आपको कि सब कुछ सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगा, जिसके कारण इसको बोलते हैं अपोजिट फेज। तो अपोजिट फेज में हम देख सकते हैं कि लैम्ब्डा बाई टू, थ्री लैम्ब्डा बाई टू, फाइव लैम्ब्डा बाई टू है, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, डेल्टा एक्स, क्योंकि एक्स है तो उसका चेंज ऑफ डिस्टेंस जो तुमको मिलता है दैट इज
इन द फॉर्म ऑफ लेमड़ा। तो यहाँ पे देख सकते हो डेल्टा एक्स हम क्या क्या माने अपोजिट फेज के लिए। अपोजिट फेज लेमड़ा बाई टू पे हो रहा था, 3 लेमड़ा बाई 2 पे हो रहा है, 5 लेमड़ा बाई 2 पे हो रहा है। तो ये पॉइंट्स है, तो इसका फेज डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, तो उसी फॉर्मूला में चेक कर लो, या तो डायरेक्ट पुट कर सकते हो। क्या कि तुम डायरेक्ट यहाँ पे रफली देखोगे तो देखो यहाँ से यहाँ तक में पाई मतलब 180 डिग्री कम्प्लीट कर रहा है, फिर यहाँ से पूरा यहाँ तक आएगा इस पॉइंट, फिर तुमको 360 डिग्री कम्प्लीट करना पड़ेगा, मतलब 3 लेमड़ा बाई 2 मतलब यहाँ पे कितना कम्प्लीट करेगा, ये हो जाएगा 3 पाई के बराबर, मतलब पाई फिर पाई फिर पाई, तो 1 पाई 2 पाई 3 पाई, फिर यहाँ पे 4 पाई फिर 5 पाई आएगा, मतलब अल्टरनेट देखना पड़ता है अपोजिट फेज में, अल्टरनेट पाई 3 पाई 5 पाई इस तरीके से अल्टरनेट। तो तुम्हारा रिजल्ट कुछ इस तरीके से आता है, लेमड़ा बाई टू की जगह पाई, 3 लेमड़ा बाई 2 की जगह 3 पाई, 5 लेमड़ा बाई 2 की जगह 5 पाई। तुम इसको चेक करना चाहते चेक भी कर सकते हो फ्रॉम दिस फार्मूला, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमड़ा इंटू, यहाँ पे हमको डेल्टा एक्स पुट करना, तो डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या था, लेमड़ा बाई टू पुट किए, लेमड़ा लेमड़ा कट, 2 2 कट, देखो 2 2 भी कटा, तो क्या बचा पाई। सेकेंड वन में क्या है, 3 लेमड़ा बाई 2, 3 लेमड़ा बाई 2 यहाँ पुट करो, तो देखो 2 2 कैंसिल यहाँ से, और लेमड़ा लेमड़ा कैंसिल, 3 2 3 पाई हो गया तुम्हारा ये रिजल्ट। फिर इसी तरीके से डॉट डॉट आगे मिलता चला जाएगा, 5 3 5 पाई 3 पाई 5 पाई डॉट तुमको मिलता चला जाएगा। तो ये है तुम्हारा फेज और फेज डिफरेंस, और सेम फेज में किस तरीके से हम लोग देखते हैं एंगल कहाँ पे कितना, फेज डिफरेंस कहाँ पे क्या होगा, कहाँ पे क्या एंगल होगा, कहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना होगा, ये सारा चीज़। ये डेल्टा एक्स को पाथ डिफरेंस बोला जाता है, ठीक है, डेल्टा एक्स इज़ द पाथ डिफरेंस। तो ये पाथ डिफरेंस है, और उसके पहले जो हम लोग देखे थे टाइम का डिफरेंस भी देखे थे, यहाँ पे पाथ डिफरेंस देख लिए, उसके अकॉर्डिंग कहाँ पे क्या एंगल होगा वो सारा चीज़ को हम लोग देख लिए। चेक करने का भी तरीका अपने पास है, फार्मूला भी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। एक क्वेश्चन है, देखो y इज इक्वल्स टू 0.2 sin 2π t/12 माइनस x/5। ये दे दिए क्वेश्चन, पूछ रहा है व्हाट इज़ द फेज डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट एट सेम टाइम। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या चीज़, तो देखो ये बोल रहा है कि तुमको पाथ डिफरेंस दिया हुआ है, फेज डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज द 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फेज डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, बट ये फेज डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा व्हाट इज़ द फेज डिफरेंस पूछ रहा है, व्हाट इज़ द फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस पूछा जा रहा है बिटवीन टू पॉइंट्स, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस मतलब क्या, डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, टाइम फिक्स है, टाइम कांस्टेंट है। तो तुमको इस इक्वेशन से क्या करना पड़ेगा, तुमको कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, पहले लिख लो सॉल्यूशन में इक्वेशन को, मैं कॉपी कर दिए, उसके बाद जो इक्वेशन हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं, इक्वेशन वाई इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये फॉर्मूला जानते हैं। तो ओमेगा का वैल्यू होता है 2π, यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ, ए साइन इसका वैल्यू होता है 2π/λ इंटू टी, माइनस के का वैल्यू होता है 2π/λ इंटू एक्स, ये फॉर्मूला होता है। तो 2π कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा ए साइन कुछ इतना जाएगा, इसको कॉमन 2π दोनों से कॉमन लोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, ए साइन 2π/t होता है इसका ना, ओमेगा का वैल्यू 2π/t होता है। तो ये हो जाएगा ए साइन 2π कॉमन आ गया दोनों से, तो यहाँ मिल गया टी पहले से यहाँ पे देखो ए टी डिवाइड बाई क्या होगा कैपिटल टी ए वाला माइनस एक्स और ये वाला लेमड़ा नीचे, 2π दोनों से कॉमन आ गया तो ए इक्वेशन आ जाता है। तो ये दोनों इक्वेशन सिमिलर दिख रहा है, अब ये दोनों इक्वेशन सिमिलर दिख रहा है। अब हमको चाहिए क्या चीज़, क्वेश्चन में दिया हुआ है हियर गिवन, यहाँ लिख सकते हो गिवन, गिवन क्या दे, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स 2.5 सेंटीमीटर इन दिस क्वेश्चन, ये गिवन है। फार्मूला हम लोग जानते हैं डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, ये क्वेश्चन फार्मूला जानते हैं हम लोग। 2π λ का वैल्यू क्या है, लेमड़ा का वैल्यू देख लो, यहाँ पे फॉर्मूला देखो x/λ, तो लेमड़ा यहाँ पे है, तो लेमड़ा की जगह देखो वैल्यू क्या है, दोनों इक्वेशन को कंपैरिजन करोगे तो लेमड़ा की जगह 5 है, तो लेमड़ा का वैल्यू हमको क्या मिल गया 5, तो 5 पुट कर दो यहाँ पे जहाँ लेमड़ा दिख रहा है इसमें, तो 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, लेमड़ा की जगह 5 पुट कर दिए, और डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ 2.5 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 2.5 × 5 मतलब ये 2.5 है ये 5 है, इसको तुम डिवाइड करोगे 2 times में कट जाएगा 5, तो इसको कट के 2 times में कट गया, मतलब 2π/2 मिला, 2π/2 2 कैंसिल हुआ, कितना रिजल्ट आया पाई।
मतलब ये क्या चीज़ बता रहा है तुमको, यहाँ पे रिजल्ट आ गया डेल्टा एक्स इज इक्वल डेल्टा फाई इज इक्वल टू पाई मिला। पाई मतलब अपोजिट फेज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। डेल्टा फाई जो है पाई के बराबर आ गया, मतलब 180 डिग्री के बराबर, और 180 डिग्री कहाँ पे होता है, अपोजिट फेज में। तो इस तरीके से कंपैरिजन करके यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो आज का लेक्चर जो हम लोग का था वो लेक्चर था फेज और फेज डिफरेंस के बारे में, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ द टुडे लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।